मेवाड़। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ के उन महान शासक के बारे में जिसने अपने जीवन काल में कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बारे में। उनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ दुर्ग के भी बादल महल में हुआ था। प्रताप महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनकी माता का नाम जयवंताबाई, जो कि पाली नरेश अखेराज सोनगढ़ चौहान की पुत्री थी। जब महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र के थे तो उनके पिता उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में मृत्यु हो गई। इसी दौरते होना था मेवाड़ का उत्तराधिकारी, इसके लिए कुंवर प्रताप को चुना गया। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ, लेकिन विधि विधान स्वरूप राणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। दूसरे राज्याभिषेक में जोधपुर का राठौर शासक राव चंद्र सेन भी उपस्थित थे। हमारे पास इतनी जानकारी तो नहीं है कि हम महाराणा प्रताप के बारे में पूरा जीवन वृतांत बता सके। आगे का इम्पोर्टेंट फैक्ट है हल्दीघाटी का युद्ध, जो हम दूसरे भाग में बहुत ही रोचक ढंग से आपके समक्ष पेश करेंगे। तो आप चाहते हैं कि हम पार्ट 2 लेके आए, तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।